नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां परलिका गांव के कबाड़ियों पर दीपलाना गांव में वन विभाग की भूमि पर केबल तार जलाने के आरोप में केबल चोरी के जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठे और निराधार निकले। ग्रामीणों ने केबल जलाते मौके पर वन विभाग की भूमि पर इस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बाद में गोगामेड़ी पुलिस उसे पकड़कर गोगामेड़ी थाने ले आई। जांच में परलिका गांव के कबाड़ियों पर लगाए गए आरोप मिथ्या और निराधार निकले। परलिका गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ये व्यक्ति आसपास गांव के इलाके में कबाड़ियों का काम करता है तथा कबाड़ में आए तारों को जलाकर वन विभाग की भूमि में तांबा निकाल रहा था। तभी दीपलाना गांव के ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में ये व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ। दर्शकर और कौन है? तार जलाते हुए खबर तो निकाल दे पेपर में। तार को पूरी माजी तार यो ले ले तार का भी दिखाना तार बड़ा।